मतलब कि मिक्स करने के बाद जब जहाँ पे हमने प्लेसमेंट करनी है, प्लेसमेंट करने के बाद इसको जहाँ पे लगा दिया हमने, उसके बाद 10-15 मिनट छोड़ देना है। वो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, भैया ने क्या किया है कि एमसील जो है वो नीचे की तरफ पूरा भर दिया है। तो अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने वेयर किया हुआ है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो सरदार लोग होते हैं उनके साथ वो कैमरा माउंट करने में थोड़ी इशू आती है। तो अभी मेरे पास जो है अंकुर भैया मेरे आए हुए हैं यहाँ पे, जिनके घर पे मैंने डिलीवरी दिया था मास्क का। ये मेरे अंकुर भैया, इनका चैनल यूट्यूब का मैंने आपको बताया था। तो ये मास्क है जो मैं वेयर करूँगा और इसके यहाँ पर हम करेंगे माउंट, जे माउंट करेंगे कैमरे के लिए। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है ये भैया को ज़्यादा पता है, मेरे को आता नहीं है, तो यही खुद करेंगे। तो इसकी वीडियो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पे माउंट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक मास्क, तो ये डिटैचेबल मास्क है, ठीक है। एक ये मास्क है, उसके बाद ये आ जाता है जे माउंट जो यहाँ पर माउंट होगा, ठीक है। और मेरे पास एक एम सील है, भैया ने 2 एम सील लाए हैं, 3M के टेप भी है हमारे पास। तो पहले हम टेप भी लगाएंगे और पक्का काम करने के लिए एम सील भी लगाएंगे। और ये है इसका स्क्रू जहाँ पे फिट होगा कैमरा। तो मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाता हूँ कैसे बनेगा। एक्चुअली आज मैं घर से वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में हूँ, तो यहीं पे हम शूट करेंगे वीडियो। तो अभी आप शुरू करिए। तो अंकुर है, अंकुर भैया क्या हाल है आप सबका? तो ये बताएंगे कि कैसे फिट होगा सारा। दोस्तों एक्चुअली ये जो प्लास्टिक है ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, तो मेरे पास इस टाइम स्ट्रेट ये है जिसके ऊपर हम इसे जे माउंट को फिक्स करेंगे और ये डिटैचेबल है, ये निकल जाएगा। इसको हमें स्लाइड स्लाइड अप एंड डाउन करके ये निकल जाता है ना, डिटैच हो जाता है। इसे हम यहाँ फिट करेंगे, यहाँ पे लगा के एम सील लगानी पड़ेगी। वैसे डबल टेप गम है, बट जो हमारा कैमरा होता है उसमें वेट काफ़ी होने के कारण तो गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो सब कुछ इसी से ही फिक्स होता है। तो चलो शुरू करें। तो यहाँ पे हो रहा है अभी एम सील ओपन कर रहे हैं। तो एम सील ये 2 तरह की होती है, तो दोनों को मिक्स करनी पड़ती है। एक ब्लैक है और दूसरा आई थिंक इसमें ग्रे कलर का होता है, ग्रे और वाइट कलर का होता है। तो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ वीडियो में। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं हल्का सा ग्रीन कलर है, और ये दोनों जो है एम सील मिक्स करेंगे अभी भैया। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर छोड़ना भी पड़ता है इसको, 10 मिनट छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपने लगाना है। नहीं, अप्लाई करने के बाद 10 मिनट छोड़ देंगे। ओके, मतलब कि मिक्स करने के बाद जब जहाँ पे हमने प्लेसमेंट करनी है, प्लेसमेंट करने के बाद इसको जहाँ पे लगा दिया हमने, उसके बाद 10-15 मिनट छोड़ देना है। वैसे तो ज़्यादा देर छोड़ देना चाहिए ताकि वो पक्का हो जाए, क्योंकि पत्थर सा बन जाता है बिल्कुल ये। तो मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि आप, अगर आप हेलमेट वगैरह नहीं वेयर करते हैं जैसे हमने टर्बन वेयर करना होता है, तो उसके लिए ये बेस्ट थिंग है। तो अभी भैया जो है पूरा हाथों से मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। ये तो पता भी नहीं लगना भाई, इधर लगना जिधर कंपनी फिटेड ही है सारा। वो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं भैया ने क्या किया है कि एम सील जो है वो नीचे की तरफ पूरा भर दिया है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे की तरफ पूरा भर दिया है। इनका कहना ये है कि नीचे की तरफ भरने से जो है स्ट्रेंथ जो है काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम ऊपर ऊपर से लगा देंगे तो समटाइम वो फटने के भी चांसेस रहते हैं। तो भैया ने अपने हेलमेट के साथ भी ऐसे किया हुआ है, तो वैसे अच्छी चीज़ है, ये सीखने वाली चीज़ है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि भैया ने जो है एम सील अच्छी तरह से अंदर तक भर दिया है और अब फिनिशिंग दे रहे हैं। बाकी हो गया,
10-15 मिनट ये रखेंगे तो सूख जाएगी प्रॉपर, ये कभी नहीं गिरेगी। भैया के कहने का मतलब है कि अभी ये फिनिश हो चुका है काम, तो 10-15 मिनट अभी इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अगर धूप है तो धूप में रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे एसी में भी आप रख सकते हैं, तो ये सॉलिड हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो इसे छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने वेयर किया हुआ है और भैया ने जो ये माउंट यहाँ पे लगाया है एम सील के साथ, तो ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। तो अभी ये पक्का नहीं हुआ है, मतलब कि ये पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ अपने, तो अभी ये स्ट्रॉन्ग होगा। जस्ट मैंने पहन के इसका अलाइनमेंट देखा है, आप वेयर करके इसका अलाइनमेंट आप चेक कर लें मिरर में, ताकि ये कल को जब ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये हिलेगा नहीं। तो आप इसका अलाइनमेंट चेक कर लें, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्योंकि कैमरा माउंट होने पर नहीं तो आपकी वीडियो जो है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो लुक आप देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ लुक आएगा आपका वेयर करने पे। हाँ जी, तो गाइस आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये मुझे अभी रखे हुए से लगभग 3 घंटे हो गए हैं, तो 3 घंटे के बाद ये बिल्कुल ही पत्थर की तरह हो चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है, इसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी हो गई है, मजबूती काफ़ी अच्छी हो गई है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। तो जैसा आपको अभी ये थोड़ा रफ रफ सा लग रहा है, आप इसे रेग मार मार के एमरी पेपर लगा के बिल्कुल किनारों से सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्लास को यहाँ से हटा कर, जैसे आप चाहे पेंट करना चाहे तो स्प्रे पेंट आती है वो पेंट कर लें। तो यहाँ पे पड़ा है मेरा कैमरा, जिसमें मैंने जे माउंट लगा रखा है, तो कुछ नहीं करना है इसे। अब मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये क्लिप ऑन है, यहाँ पे ऐसे लगा के आप इसे नीचे प्रेस कर देंगे और ये रहा आपका मास्क रेडी है। अभी कहीं पे भी आपने जाना है तो वेयर करें और निकल जाएं, वीडियो आपकी अच्छी बनती रहेगी और काफ़ी स्टेबल भी है ये। ठीक है, हिलेगा नहीं कैमरा। जो आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है तो कैसी लगी वीडियो, नॉलेजेबल थी, तो वीडियो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये ट्राई करें, अगर जिन्हें हेलमेट पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप ये चीज़ मंगा सकते हैं, ऐसे फुल फेस मास्क भी कह देते हैं। तो मैंने कहाँ से मंगाया ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, प्लस जो जे माउंट है वो दोनों मैंने कहाँ से मंगाई है, तो आप इसे यूज़ करके देखें, काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारे साथ के कितने 2-3 राइडर हैं जो टर्बन वेयर करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, तो यूज़ करें आप, और कैसा रिव्यू है वो आप मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।